खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट रहीम यार खान का इजलास सीनियर नायब सदर हकीम मतलूब अहमद रहमानी की रहायशगाह मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत खुशी मोहम्मद रहमानी ने की। इजलास में रहमानी फ्री सिलाई स्कूल के क्याम पर मशावरत की गई। इजलास में यूनिट के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अरशाद से। जी अरशाद जी, बिल्कुल, आज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान यूनिट ज़िला रहीमिया खान का इजलास सीनियर नायब सदर हकीम मतलूब अहमद रहमानी की रहायशगाह पर मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत खुशी मोहम्मद रहमानी ने की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और इजलास में तमाम अहदेदारान ने शिरकत की और अपनी राय का इजहार किया, जिस पर इलाके के मुख्तलिफ मसाइल सामने आए और इन मसाइल पर मशावरत भी हुई और इसके साथ सिलाई स्कूल बनाने के हवाले से मशावरत भी हुई, जिसका सामान खरीद के लिए सदर साहब ने चार मेंबर्स पर बॉडी तश्कील दी। इजलास में सरपरस्त आला मोहम्मद रमज़ान रहमानी, मोहम्मद शरीफ रहमानी, सदर खुशी मोहम्मद रहमानी, सीनियर नायब सदर हकीम मतलूब अहमद रहमानी और मोहम्मद सरवर प्रिंस रहमानी और सब अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के अख्तिताम पर हकीम अली मोहम्मद रहमानी ने ट्रस्ट की कामयाबी के हवाले से खुसूसी दुआ करवाई। जी इरशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।